हाय दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पे आज रिलीज हुई एक नई सीरीज जिसका नाम है स्नोपिएर्सर। अभी फिलहाल इसके सिर्फ दो ही एपिसोड रिलीज हुए, उसके बाद हर एक हफ्ते यानी कि हर मंडे आपको एक एक एपिसोड देखने मिल जाएगा। और जहां तक मुझे पता तो इस सीरीज में आपको तकरीबन 10 एपिसोड देखने मिलेंगे। फिलहाल हमें दो एपिसोड देखकर मुझे कैसा लगा और क्या ये सीरीज आप लोग को देखनी चाहिए या नहीं चाहिए, उसके बाद ये सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये सीरीज रिबूट है मूवी स्नोपिएर्सर का, जो कि हमें 2013 में देखने मिली थी। वो एक कोरियन मूवी थी, उसमें हमें नजर आए थे क्रिस एवांस यानी कि कैप्टन अमेरिका। और उसके अलावा उस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था वो भाई बहुत ही यूनिक, बहुत ही हटके था और मेरी वन ऑफ दी बेस्ट मूवीज में से वो एक है। खैर बात करेंगे इस सीरीज के, क्या ये सीरीज भी उस मूवी को मैच करती है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ साथ ये भी बता दूं कि अगर आप लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन उसे भी कर देना प्रेस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। फिर इसमें हमें मेन लीड में नजर आते हैं जेनिफर कॉनली और डेविड डिग, यार गलत मत समझना, DIGGS, खैर हम लोग सो डेविड ही बोलेंगे। तो खैर इस सीरीज की कहानी शुरू होती है, हमें ऐसा एनिमेशन के थ्रू बताते हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे अर्थ पर जो क्लाइमेट है बहुत ज्यादा बिगड़ गया, लेकिन वॉर होने के बाद क्लाइमेट और भी ज्यादा बिगड़ गया। अब इन सारी सिचुएशन को फिर से नॉर्मल करने के लिए जो साइंटिस्ट है वो लोग एक तरह का एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट बुरी तरह से फेल होता है और अर्थ का जो क्लाइमेट है वो नॉर्मल होने के बजाय इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि लिटरली -190 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। अब उस टेम्परेचर में इंसान जिंदा कैसे रहेगा वो आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हो। खैर मैं तो मनाली में गया था कुछ 3 महीने पहले, तो वहां पर 3 डिग्री टेम्परेचर में मेरी हालत खराब हो रही थी। अब सोचो -190 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर में क्या सिचुएशन होगी। खैर मिस्टर विल्फर्ड एक ऐसी ट्रेन बनाता, उस ट्रेन में तकरीबन 1001 कोचेस यानी कि डब्बे होते हैं। अब उनमें सिर्फ अमीर लोग ही जाएंगे। अब आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहूंगा, वो ये है कि जब भी दुनिया में कुछ भी चीज होती है, चाहे दंगे हो लफड़े हो, तो हमेशा जो गरीब आदमी होता है वही फंसता है। खैर जो कुछ गरीब लोग है वो लड़ झगड़ के इस ट्रेन में घुस तो जाते हैं टेल सेक्शन में। कहानी में ट्विस्ट अब आता है, वो उस ट्रेन में हो जाता है मर्डर होता है अमीर लोग के सेक्शन में। उसके बाद हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि सीरीज पर्सनली मुझे कैसे लगी। तो देखिए 2013 में जो मूवी आई थी स्नोपिएर्सर, उस वक्त वो कॉन्सेप्ट काफी यूनिक था, हमने इस तरीके की चीजें कभी देखी नहीं थी, तो इसलिए वो बहुत अच्छी लगी थी। उसके अलावा वहां पे क्रिस एवांस ने काफी इंटेंस परफॉर्मेंस किया था जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी उनसे, और वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें देखी थी जो मतलब बहुत ही अच्छा लगा था। लेकिन यहाँ पर बोले तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही एपिसोड में वो लोग ने बहुत सारी चीजें दिखाई जो हमने उस फिल्म में भी नहीं दिखाई थे। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई आने वाले 8 एपिसोड में हमें इस सीरीज में क्या देखने को मिला, क्योंकि 2 ही एपिसोड में लोगों ने काफी ट्विस्टेड डंस बता दिए। और तो सेकंड एपिसोड में कहानी थोड़ी स्लो आगे बढ़ रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस सीरीज में पोटेंशियल है कि आगे चल के ये लोगों को पसंद आ सकती है। अब बात करते हैं एक्टर्स की, तो भाई जेनिफर कॉनली ने जो यहाँ पर रोल प्ले की है उसका काम मुझे यहाँ पर अच्छा लगा और वो एक परफेक्ट कास्ट भी लग रही थी। लेकिन अगर डेविड की बात करूँ तो मुझे कुछ कुछ सीन में वो बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन कुछ कुछ सीन में ऐसा लग रहा था यार इसको क्यों ले लिए, क्योंकि क्रिस एवांस को हमने इस तरीके के कैरेक्टर में देखा है उस फिल्म में, तो यार एक कहना कि हमारे दिमाग में वही चलता रहता है। तो इस हिसाब से डेविड को इस रोल में देखने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन फिर एक्टर ने कोशिश बहुत ही अच्छी तरह से की है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले एपिसोड में शायद उनमें हमें कुछ ऐसी इंप्रूवमेंट नजर आएगी जिस वजह से हम उस कैरेक्टर को भी पसंद करने लगेंगे। उसके अलावा सीरीज के CGI की बात करूं तो यस CGI बहुत ही शानदार है। अभी तक फिलहाल मुझे कुछ भी ऐसा अटपटा चीज नहीं लगी जो मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत ही अलग अलग चीजें देखने को मिली जो कि मैंने उस मूवी में भी नहीं देखा था। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये लोग कुछ जल्दबाजी तो नहीं कर रहे, क्योंकि इतनी सारी चीजें लोग ने फर्स्ट 2 एपिसोड में रिवील कर दी जो कि इनको आने वाले एपिसोड में कर सकते थे। मगर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद आने वाले एपिसोड में इन लोगों के पास और भी बहुत सारे सरप्राइज हो जो हमें इस सीरीज को कंटिन्यू देखने पर ही पता चलेगा। तो फिलहाल तो मैं इस सीरीज को इतना कह सकता हूं कि यस आप लोग ये सीरीज देख सकते हो। ये सीरीज में आपको कुछ न्यूडिटी की सीन्स देखने को मिल जाएंगे फिलहाल, जो कि आप फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते हो। जो बताना था इस सीरीज को लेकर मैंने आपको बता दिया। अब आपको क्या लगा इस वीडियो को देखकर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को शेयर करना। अगर आपने इस सीरीज के 2 एपिसोड देख चुके तो आप लोग को 2 एपिसोड कैसे लगे ये भी जरूर बताना। और स्नोपिएर्सर मूवी और ये रिबूट सीरीज में आपको कौन सी ज्यादा बेटर लगी ये भी मुझे जरूर शेयर करना। अगर पर्सनली मेरा ओपिनियन दो तो भाई क्रिस एवांस की जो मूवी थी वो मेरे लिए हमेशा टॉप पे रहेगी, क्योंकि वो इससे पहले रिलीज हुई थी और वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।